सेना के तीनों अंगों के प्रमुखों के साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग अलग बैठक की। प्रधानमंत्री आवास पर हुई इस बैठक में अग्निपथ योजना को लेकर चर्चा की गई। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी के साथ बैठक हुई। अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना की घोषणा 14 जून को की गई थी, जिसके बाद से देश के विभिन्न हिस्सों में हिंसक प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों ने कई ट्रेनों और बसों में पिछले दिनों आग लगा दी। पीएम मोदी की बैठक से पहले सेना के तीनों अंग यानी थल सेना, वायु सेना और नौसेना ने अग्निपथ योजना और अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर एक बार फिर साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान अधिकारी ने कहा कि सेना नौकरी के लिए नहीं बल्कि जुनून और जज्बात के लिए है। भर्ती प्रक्रिया के बारे में आशंकाओं के बीच सैन्य मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया अपरिवर्तित रहेगी और सेना में पारंपरिक रेजिमेंट व्यवस्था जारी रहेगी। सेना के तीनों अंगों के संवाददाता सम्मेलन में पुरी ने कहा कि यह योजना सरकार के कई विभागों के बीच विचार विमर्श के अलावा तीनों सेवाओं और रक्षा मंत्रालय के भीतर लंबे समय तक जारी परामर्श का परिणाम है। उन्होंने कहा कि यह एक बहुत जरूरी सुधार है। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो। बाहर बाहर उठो बैठो, उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com।